जारे भारत नी आजादी ना 100 वर्ष थाय त्यारे हिंदुस्तान दुनिया में विकसित देश होय अने दुनिया में भारत विकसित देश होय एनो अर्थ के अपना गुजराते तो 5 वर्ष वेला विकसित थवू पड़े भाई। एटले भूपेन्द्र भाई ना नेतृत्व में आपणे तेज गति थी विकसित गुजरात विकसित भारत माटे बनावू छे अने एना माटे चाहे दिल्ली होय के गांधीनगर आपणे साथे मळीने 140 करोड़ देशवासीओना सपना पूरा करवा छे। पण एना माटे तमारे मोदी ने कायम मजबूत करवो ज पड़े हो, खरु के नहीं? पेली दीकरी फोटो लेने आई बेटा बेटा थाकी जाई मैं जो लीधो। हाँ शाबाश शांति ने हांभ बेटा अपना घर की ज बात है। जो लीधो बेटा फोटो लीधो जो लीधो थैंक यू सरस बनाया जो बेटा। विकसित भारत बनावु होय विकसित गुजरात बनावु होय अन तमारो घरनो दीकरो दिल्ली में बैठो होय तो एने मजबूत करवानी जवाबदारी घरवाळाओनी खरी के नहीं भाई? तमे मारा बधा परिवारजनोनी खरी के नहीं? हवे 26 से 26 तमे आपो ए तो बराबर छे भाई। तमे 14 आपी ने 19 आपी पण आ वक्त तो मारे कंईक वधारे जोईए छे। आपसो जरा हाथ ऊपर करो इनको आपसो। पण एना माटे मेहनत करवी पड्यो आ हातमी तारीख सुधी पगवाड़ी बेसवानुं नथी। अने मारे तमारी पासेथी बे चीज जोईए आपसो। हजू मैं कहू नथी ने तमे दा पाड़ी दीधी भारे विश्वास छो तमारो मारा ऊपर। एक मतदान ना जितला पण रेकॉर्ड होय तमारा गाम मां तमारा बूथ मां ए बधा रेकॉर्ड तूटवा जोईए अने एना करता वधारे मतदान थवू जोईए। करशो करशो पण एनो एक रस्तो बतावू करवू तो केवी रीते कराय। 10 वागे पहला दरेक बूथ में 25-25 लोग अथवा 30-30 मतदारों थाळी वगाड़ता वगाड़ा गीत गाता गाता जम प्रभातिया गाय ने एवी रीते मतदान मथके जाए आखा बूथ में लोकशाही नो उत्सव उजवाय अने 10 वाग्या सुधी में आवा 30 सरघस निकले ओछा में ओछा 30 सरघस दरेक में 30 मतदार अने जईने आपणे मत आपीए तो तमे जोई लेजो बापुड़े ये पाके पाए तमारू मतदान रेकॉर्ड तूटी जाए। बीजू काम आपणे आ वखते बधा पोलिंग बूथ जीतवा जे भाई एके पोलिंग बूथ हारवानुं नहीं। एके पोलिंग बूथ में भाजपनो झंडो झुकवा ना जोईए। मंजूर करशो बधा? होय हो टका? आम तो मने गुजरात पर एवो भरोसो भाई ई पाछी पानी करे ज नहीं। साथियों जब मैं गुजरात में था आपकी सेवा में जुटा था तब हमेशा आपके पास आकर के मैं गुजरात में क्या कर रहा हूं सरकार क्या काम कर रही है कैसे कर रही है उसका रिपोर्ट कार्ड मैं हमेशा देता था और वो आदत अभी भी गई नहीं है। और आज आपका ये बेटा गुजरात का संतान
आपका सामने अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए गुजरात आया है। स्कूल में कितने ही नंबर क्यों ना आते हो, 100 में से 99 आए हो, लेकिन जब तक वो बच्चा घर में आपके अपने मां बाप को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाता ना, उसको आनंद नहीं आता है। तो मैं भी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, ऐसे मेरे गुजरात के लोगों के आगे एक बालक की तरह अपना रिपोर्ट कार्ड देकर के आपके आशीर्वाद लेने आया हूं, आपकी शाबाशी लेने के लिए आया हूं। आप याद करिए, 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, अभी 5G का जमाना है ना, कोई घोटाला सुना है? 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, कभी डिफेंस में घोटाला, कभी CAG में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ में घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर में घोटाला, कभी पनडुब्बी में घोटाला, सबमरीन में घोटाला। कांग्रेस ने जल, थल, नभ, धरती से लेकर समंदर से लेकर के आसमान तक हजारों लाखों करोड़ रुपयों के घोटाले 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 करके रखे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आपने मुझे वहां भेजा। आप मुझे बताइए, आपके इस बेटे के लिए आपको गर्व होता हो कि नहीं? 10 साल में एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? जरा आप लोग जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे परिवारजनों को एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? मोदी पर एक भी घोटाला चिपका है क्या? ये आपके बेटे का रिपोर्ट कार्ड सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से मुझे आशीर्वाद चाहिए। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, 10 साल पहले देश की सरकार से गरीब का भरोसा उठ गया था। कांग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी, उसी के भरोसे जीना, और कांग्रेस को गरीब को तरसा तरसा कर मूलभूत सुविधाएं देना, कभी वंचित रखना, कभी लटका के रखना, किसी के सामने किसी दूसरे को दे देना, उनको उसी में आनंद आता था। गरीब को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए है ही नहीं। आज देखिए, गरीब आज खुद आगे बढ़कर के इस बेटे पर प्रेम लुटा रहा। पहनने के लिए पूरे कपड़े न हो, 80-90 साल की आयु हो, वो मां जब कहती है कि दिल्ली में मेरा बेटा, दिल्ली में मेरा बेटा बैठा है, मुझे खाने के लिए वो भेजता है, तो बेटे को संतोष होता है कि नहीं होता है? जब गरीब का पेट भरता है तो आपके इस बेटे पर आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, आज सरकार उनकी चिंता कर, माताएं बहनें बेटियां अपना आशीर्वाद देते हुए थकती नहीं है। आपको हमेशा हमेशा गर्व होगा,
आपके बेटे के इस काम पर। साथियों, 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था ये तो कंगाल देश है, ये तो कमजोर देश है, और पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने का नाम तक नहीं लेती थी, और आज क्या स्थिति है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं भाई। मैं जानता हूं मैं हिंदी बोल रहा हूं, मुझे गुजराती बोलना चाहिए, लेकिन ये टीवी वाले चाहते हैं कि कुछ हमारी रोजी रोटी का भी ख्याल रखो। आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज मोदी वहां बैठा है और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए उनके बीच में होड़ मची हुई है, स्पर्धा चल रही है। भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत आज आतंकवादियों को भेजने वाले लोगों को पता है, अब भारत घर में आकर के घुस करके मारता है। और मैं मानता हूं हर गुजराती को गर्व होता होगा। साथियों, 10 साल पहले भारत दुनिया की 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थी, दुनिया में हमारा नंबर 11 था। दुनिया भी सोचती थी कि जैसे तैसे भारत की गाड़ी चल रही है, इससे ज्यादा अच्छा ये देश कर ही नहीं सकता है, हो सकता है वो और लुढ़क जाएगा। लेकिन 10 साल पहले आपने अपने बेटे को बिठाया और 10 साल के भीतर भीतर भारत छलांग लगाकर दुनिया की 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। पूरी दुनिया चौंक गई कोरोना के समय, जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई, एक अकेला भारत था जो मजबूती से डटा हुआ था। आपको ये बातें सुनकर के गर्व होता होगा कि देश ने एक चाय वाले को, एक गुजराती बेटे को बिठाकर अच्छा काम किया है। साथियों, हार की हताश में कांग्रेस ने देश को, समाज को बांटने का अभियान तेज कर दिया है। अयोध्या में 500 साल के बाद हमारे पूर्वजों की आत्मा जहां भी होगी ना, हमें आशीर्वाद देती होगी। आप मुझे बताइए,
देश आजाद होने के दूसरे दिन राम मंदिर का काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये कांग्रेस वालों ने वोट बैंक के खातिर लटकाए रखा, रोड़े अटकाए, उसके खिलाफ खेल खेले। अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना। आपको अपने बेटे पर अब भरोसा है ना? भरोसा है ना? जो कहेगा वो करता है ना? 500 साल का इंतजार खत्म हो गया साथियों। लेकिन कमाल देखिए, राम मंदिर के ट्रस्टियों ने घर जाकर के कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण दिया कि आप भी आइए प्राण प्रतिष्ठा में, आपकी पुरानी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, आइए हम बुलाते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके चेलों को, चट्टे बट्टे को ये निमंत्रण मंजूर नहीं था, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। भाइयों बहनों, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा देना कितना उचित है मैं समझ नहीं पाता हूं। अब कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था में भी भेद करने का दुस्साहस शुरू किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बदिरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है, हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। उन वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। हजारों हजारों साल से चली आ रही हमारी महान परंपरा, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, अरे मुगल भी इसे तोड़ नहीं पाए थे मल्लिकार्जुन जी, अब कांग्रेस तोड़ना चाहती है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और कितना नीचे जाएगी? और कांग्रेस के लोग सुन ले, जो राम को खत्म करने के लिए निकला था उसका क्या हुआ था? और उनके एक शहजादे ने महीने भर पहले कह दिया था कि मैं इस देश में शक्ति का विनाश करके रहूंगा, ये शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहने बैठी है, हम शक्ति के उपासक हैं। कोई अंबा की उपासना करता है, कोई चामुंडेश्वरी की करता है, कोई चोटी लगे पगडंडी पर जाकर के ऊपर जाकर के मां चामुंडेश्वरी का, कभी दुर्गा का, कभी काली का, कभी लक्ष्मी का, कभी सरस्वती का, शक्ति को उपासना करते हैं। और शाहजादे ने कह दिया था कि मैं शक्ति का विनाश करूंगा और जो शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं, क्या वो शक्ति का विनाश करने वालों को कभी स्वीकार कर सकते हैं? क्या जो शिव और राम को लड़ाने की बात करते हैं वो कभी स्वीकार कर सकते हैं? जी हम तो वो लोग हैं जिन्होंने शिव जी के सामने कमल पूजा करके अपने सिर काट करके रख दिए थे। जी ये क्या कर रहे हैं लोग? साथियों, कांग्रेस हमेशा से रॉन्ग डिलीवरी वाली पार्टी है। देश को आजादी दिलानी थी लेकिन उन्होंने बंटवारा कर दिया, देश का विकास करना था
लेकिन जो था वो भी लूट लिया। गरीबों का पैसा गरीबों को जाना था, लेकिन कांग्रेस की तिजोरी में पहुंचा। अब एससी एसटी ओबीसी के हक का आरक्षण, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे बख्शीपंच के भाई बहन, उनको जो आरक्षण मिला है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, जो भारत के संविधान ने दिया है, ये आरक्षण भी अब एससी एसटी ओबीसी से लेकर के धर्म के आधार पर मुसलमानों को डिलीवर करना चाहते हैं। पिछले तीन दशक से कांग्रेस लगातार ऐसी कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटका में रातों रात एक फतवा निकाला, एक पेपर निकाला, थप्पा मार दिया और कह दिया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं वो सबके सब ओबीसी है। हुआ क्या, ओबीसी कोटा में जो आरक्षण था उसमें से बहुत बड़ा डाका डाल दिया, लूट लिया और ओबीसी का आरक्षण उधर चला गया। ये खेल खेलते जी। और इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, उसमें अगर आप देखेंगे पहली नजर में ही लगता है कि उनके मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पंजा नहीं है, उस पर मुस्लिम लीग का पंजा है। साथियों, जब से मैंने एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस की सच्चाई को देश के सामने रखा है, कांग्रेस संतुलन खो चुकी है, बौखला गई है। कांग्रेस झूठ पर झूठ बोले जा रही है और इसलिए मैं भी कांग्रेस को तीन चुनौतियां दे रहा हूं। त्राण पड़कार फेंको जो कांग्रेस सामने, मारा त्राण पड़कार छे अने साजादा में हिम्मत होए, कांग्रेस में हिम्मत होए, एमना चट्टा बट्टाओं में हिम्मत होए, तो एक चाय वाले का बेटा मुकाबला करने के तैयार है। मारो पहलो पड़कार, कांग्रेस लखी ने बाइंदरी आपे कि ये भारतना बंधारण में कोई छेड़छाड़ नहीं करे, भारतना बंधारण ने नहीं बदले। कांग्रेस लखी ने आपे बाइंदरी आपे कि बाबा साहेब आंबेडकर जे आरक्षण आपेल छे एने धर्मना आधार पर दलितों आदिवासियों पासे थी लूटी ने, पक्षीपंच पासे थी लूटी ने, मुसलमानों ने आरक्षण नहीं आपे। अने मारो तीजो पड़कार छे, कांग्रेस लेखित मां बाइंदरी आपे कि ए दलितों ने आदिवासियों ने पक्षीपंच समाज ओबीसी ने जे आरक्षण मळ्युं छे ते सामान्य समाजना गरीबों ने जे आरक्षण मळ्युं छे ते एमांथी क्यारे झूंटवी लेवानो प्रयास नहीं करे। अने एमने मारी पड़कार छे कि लखीने आपे के एमना त्यां, अमारो तीजो पड़कार छे कि जे एमना राज्यो छे, एमना चट्टाबट्टाओना राज्यों में बैठा छे, ज्यां एमनी सरकारो छे, ए लोको पण ओबीसी नो कोटा ओछो करीने मुसलमानों ने नहीं धरी दे, धर्मना आधार पर टुकड़ा नहीं करे, अने दलितों आदिवासियों ना आरक्षण पर छेड़छाड़ नहीं करे। आ मारा त्रण पड़कारो आ कांग्रेस ना साजादा ने अने एमना बधा मळतियाओनो छे। केटलाय दाड़ाथी बोली रह्यो छु, मेरी इन चुनौतियों के बाद से कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। मैंने 23 अप्रैल को पहली बार कांग्रेस को ये तीन चुनौतियां दी थी। आज से 9 दिन हो रहा है,
आज तक कांग्रेस की तरफ से मुंह पे उनको ताला लग गया है और बात बदलने के लिए संविधान लेकर के नाच रहे हैं मंच पे बैठ करके। अब संविधान आपको नहीं बचाएगा, आपने संविधान की पीठ में चुरा भोंका है। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस की नीयत में खोट है। भाई और बहनों, अने संविधान माटेनी मारी लागणी मारू समर्पण केवू छे ये तो तमने सुरेंद्र अग्रवाल बराबर याद हशे। त्यारे अपना संविधान ने 60 वर्ष थया त्यारे देश में गुजरात एक ज राज्य हतु कि जेने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अने संविधान ना गौरव ने लईने अहीं सुरेन्द्रनगर में हाथी ऊपर संविधान मुकीने अंबाड़ी पर संविधान मुकीने सरस मजानी यात्रा काढ़ी थी अने ए वक्ते गुजरात नो मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पगे चालतो तो अने संविधान हाथी नी अंबाड़ी पर हतो। आज संविधान नु सम्मान छे अमारा माटे तो कांग्रेस नु घोषणा पत्र दरेक बिंदु पर तुष्टीकरण तुष्टीकरण अने तुष्टीकरण पर चाली रही छे। आ मेनिफेस्टो एनु मोटा मोटो दस्तावेज छे। तमने आश्चर्य थशे एक बात तमने हूँ आज सुरेन्द्रनगर में पहली बार कही रह्यो छु, चौंकावनारू लागशे। इन्होंने क्या किया है अपने मेनिफेस्टो में, उन्होंने लिखित कहा है, ये मेरे पत्रकार बंधु भी चौंक जाएंगे सुनकर के। उन्होंने लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनॉरिटी के लिए मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिए जाएगा। अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षण लाया जाएगा क्या? सरकारी टेंडर देने की देश आजाद हुआ तब से अब तक एक तय प्रक्रिया होती है, जो सही बोली लगाता है, जो अच्छी क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अच्छी क्वालिटी का भरोसा देता है, जिसके पास उस काम करने के लिए एक्सपर्टाइज है, क्षमता है, संसाधन है, सारे पैरामीटर से निकलने के बाद उसको ठेका मिलता है। जाति और धर्म के आधार पर ठेका नहीं मिलता है। अब कांग्रेस कह रही है अपने वोट बैंक के लिए पक्षपात करते हुए, वो कहती है कि ठेका अब ऐसे नहीं मिलेगा, ठेका धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। साथियों, भाजपा कह रही है हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कांग्रेस की चली तो इसके टेंडर भी धर्म के आधार पर बांटेगी। ये हाईवे एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं वो भी क्या धर्म के आधार पर बनाए जाएंगे? देश की सेना के लिए हम मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, बारूद भी बना करके सरकार को बेच सकते हैं, क्या धर्म के आधार पर आप किसी धर्म के विशेष को कहेंगे कि तुम बारूद बनाओ हमारी सेना के लिए, कि योग्य व्यक्ति को देंगे? कोई भी धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर देंगे। अब कांग्रेस की ये सनक देखिए, चुनाव जीतने के लिए सत्ता पाने के लिए ये देश को तबाह करने पर लगे हैं। हर सेक्टर में ये देश को बांटने का ये मुस्लिम लीगी प्लान देश को मंजूर नहीं है। और कांग्रेस लिख के रखे, जब तक मोदी जिंदा है ना, मोदी जिंदा है तब तक आप देश का ऐसा बंटवारा नहीं कर पाओगे। अने आपने त्या तो कहे जे काठियावाड़ में
खेल खिलाड़ी ना घोड़ा सवारों ना। भाइयों बहनों, संविधान की बाबत में मारू कमिटमेंट तमने खबर छे। अने मैं जेम वर्णन करू एम 60 वर्ष में मनाया था ना, अबे दिल्ली में जो अबे 75 थया छे साहेब, धूमधाम थी हूँ संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनावानो छु। अने आ संविधान ने चेड़ा करवाड़े जे लोग छे गैंग, एने खुल्ली पाड़वा, गामे गाम, स्कूले स्कूले, मोहल्ले मोहल्ले जईने आ तीजी चौथी जूने परिणाम आयु नहीं कि हूं पाछ पड़ो नहीं, तब जोई लेजो। संविधान की मर्यादा, संविधान नु सम्मान, संविधान प्रत्ये राष्ट्रीय अंदर जागृति, एनु एक मोटू अभियान चलावी आ लोग ने मारे मगज ठेकाने लाबाज पड़ से। भाइयों बहनों, आज देश जी रीते प्रगति कर रो, मारा जे फर्स्ट टाइम वोटर छे एमने खबर नहीं हो, जारे हूँ प्रधानमंत्री बनू पहला तो ये लोग 8 वर्षना 10 वर्षना 12 वर्षना हे, ए वक्त एमने कई खबर नहीं हो देश की शू दशा थी। मारे मारा फर्स्ट टाइम ना वोटरों ने कहेवानुं छे कि तमे तो गूगल गुरु वाला विद्यार्थी छो, तो तमे बधा गूगल गुरु ना शिष्य छो, जरा गूगल पर जईने 2012-13-14 ना जरा छापा जोई लेजो, ए दिवसों ने याद करजो। आपणे हवे देश ने त्यां नथी लई जवो, मारा पहला वखतना जे मतदाताओ छे तमारो पहलो वोट देशना नामे ज होवो जोईए, देशना भविष्यना माटे होवो जोईए। भाईओ बहनों, राजकोट होय, भावनगर होय, खूब मोटी मात्रा में औद्योगिक विस्तार, एना माटे आपणे काममां लाग्या छीए। भूपेन्द्रभाई कह्युं एम सेमी कंडक्टर दुनियाना 4-5 देशों वच्चे, ये मोटू काम अहीं तमारा पड़ोस में आवी रह्युं छे। भाईओ तमारा माटे तो जय जयकार छे। इंटरनेशनल एरपोर्ट तमारा तो घर आंगणे बनी गयुं, भाई तमारे तो जय जयकार छे। हवे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नो जमानो छे, अने तमने खबर छे मोदी साहेबे शुं विचार्युं छे? आपणा नरेन्द्र भाई पीएम सूर्यघर, पीएम सूर्यघर में मारी योजना छे तमारू घरनू वीजळीनू बिल 0 मफत, काना माता वगरनू मफत। सूर्यघर योजना थी सोलार पेनल लागशे, तमे वीजळी पैदा करशो, एटलू ज नहीं जे वधारानी वीजळी छे ये सरकार पोते खरीदी लेशे, एटले तमारा घरमां वीजळी तमे हवे आ जे बिल आपो छो ने, हवे तमे वीजळी वेचीने कमाणी करी शकशो, आ तमारा नरेन्द्रभाई आपवाना छे। एटलू ज नहीं, आजे तमे गाड़ियों चलावो छो ने, पेट्रोल डीजल नो खर्चो करो छो, साहेब ए पण मारे 0 करी देखवानुं छे। मफत में तमारी पेट्रोल डीजल नी गाड़ियों तमारी चाले मफत में, मफत काना माता वगरनू। अने एनो उपाय केवो, जे सोलार एनर्जी लागशे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आवानो छे जमानो, पेट्रोल वगैरह व्हीकल जता रहे थे, तमारा घर में तमे रात्रे स्कूटी होय, स्कूटर होय, गाड़ी होय, रात्रे चार्ज करी देवानी, सोलार एनर्जी दिवस भरनी पड़ी होय, अने बापड़ी चलाया कर, अमदावाद जैन ऑटो मारी ना आवे, 1 रुपये खर्चो नहीं। बोलो लहरम लहर छे कि नहीं? हा? बे हाथ में लाड़वा छे कि नहीं? आ तमारो नरेन्द्र भाई 5 आंगळी घीमा कराई दे कि नहीं? अने एटला माटे मारे बधा पोलिंग बूथ जीतवा छे पाको। अने अमारा जे उम्मेदवारो छे आ चूंटणी में, ये अमारा सुरेन्द्रनगरना भाई श्री चंदुभाई शिहोरा, अमारा निवड़ेला कार्यकर्ता, अमारा डॉक्टर साहेब पण मैं पराणे चूंटनी लड़ाई थी गए वक्त, ये तो राजकारण जीवन नहीं, पराणे लई गयो तो पहला तो एक बार विधानसभा में चप्पल घसी नाख्या था, पर डॉक्टर साहेब तैयार ना थाय, मांड करी लोकसभा माटे तैयार थया था। अने हवे अमारा चंदुभाई आपड़ा उम्मेदवार बन्या छे। भावनगर में अमारा नेमूबेन
बांबड़िया भारे बहुमत थी आप हमने जीताड़ो बद्दा बूथ में जीताड़ो अमरा भारतीबेन शियाळना कामनो पाको पायो पड़ो है हमें भावनगर में अमरा नीमाबेन ने आगळ वधारशे आपणे बद्दा बूथ जीतवा छे अने जीतीने बताओ बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।